मैं वादा करता हूं अपने चंदौली की हर जनप्रतिनिधियों को कि संजनी को पुलिस गोली मारे, चाहे कोई दुनिया गोली मारे, चाहे सरकार फांसी चढ़ा दे, सम्मान के खिलाफ, जनता के सम्मान के खिलाफ अगर किसी ने कोई कदम उठाया तो अंजनी सिन्हा ठोक के उसे लड़ने का काम करेगा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर मोहम्मद अफजल खान, आज मैं कमालपुर के मार्केट में आया हूँ और यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, तो आइए जानते हैं कि भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। और हमारे साथ यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य अंजनी सिंह जी हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय समाजवाद। सर, ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है किस लिए इकट्ठा हुई है? ये भीड़ इकट्ठा हुई है इसलिए कि ये लोगों में रोष है, आक्रोश है, और हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग कर रहे हैं कि जनता हो या जनप्रतिनिधि, इनके साथ मर्यादित तरीके से पुलिस व्यवहार करे, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवहार करे। अभी बीते दिन हमारे इस्कमालपुर के प्रधान जी सुदामा जायसवाल जी एक घटनाक्रम में एक टाटा जायसवाल करके, अनिल जायसवाल करके एक ठेला वाले हैं, और उनको पुलिस उठा के ले गई इस आरोप में कि यह दारू बेचते हैं, दारू पिलाते हैं इस दुकान पर। तो उनके घर वाले प्रधान जी के पास गए और प्रधान जी से जो है उन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस ऐसे ऐसे ले गई, हमारी मदद करिए। तो प्रधान जी ने धीना पुलिस को फ़ोन किया और धीना पुलिस को फ़ोन करके यही आग्रह किया कि अगर देख लीजिए ऐसा कोई कसूर ना हो तो इस बार छोड़ दीजिए, आगे से अगर वो गलती करते हैं तो हम उनको दोबारा आपको फ़ोन नहीं करेंगे। तो इस बात पर धीना पुलिस ने प्रधान जी को सीधा तुम कह के संबोधित किया, बुलाया। विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्या को सुने। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, जनता ने मुझे निर्दलीय जिला पंचायत चुना है और मैं जनपद चंदौली के हर एक प्रधान, हर एक बीडीसी, हर एक जिला पंचायत, हर एक प्रमुख, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबके सम्मान में माननीय योगी जी से ये मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के सम्मान में एक प्रोटोकॉल लागू करे भाजपा सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, ताकि किसी विभाग का कर्मचारी अधिकारी हो या थाने का कोई पुलिस दरोगा अधिकारी हो, वो जनप्रतिनिधियों से और जनता से सम्मानपूर्वक बात करें। और यहाँ पे अंजनी सिंह का कहना है कि पुलिस जो है तुम तड़ाक करके बात करती है जो कि जनता के लिए है, तो क्या ये उनका व्यवहार सही है जनता के लिए, जो पुलिस है रक्षा करने के लिए? और जैसा बताया कि अंजनी सिंह जी ने बताया कि उनको उठा लेके शराब के उसमें जो शराब बेचते हैं, तो क्या उस समय उनके ठेले पे शराब मिली थी? अगर शराब मिली तो प्रधान जी ने जो फ़ोन किया था उनसे ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया? क्या प्रशासन जो है रक्षक के साथ साथ भक्षक बन चुकी है? तो सर, ये जो आप यहाँ पे हैं और इसमें किसी को चोट वगैरह भी कुछ आई थी क्या? ऐसा जी नहीं, कोई चोट नहीं आई थी। देखिए, कानून जगत एक अलग जगत है, अपना जगत है, और इस देश का एक कानून है, लेकिन इस देश में दो जगत के हिसाब से व्यवहार होता है, एक कानून जगत का व्यवहार और एक व्यवहार जगत का व्यवहार। ये गाँव के बाजार हैं, कमालपुर, धानापुर या जो भी बाजार है, गांव का बाजार है। यहाँ पे सरकार शराब बेचती है तो पीने वाले आएंगे खरीदने के लिए, अब जब खरीदने के लिए आएंगे तो पीने वाले किसी न किसी ठेला के पास जाएंगे, अंडा या चाय पकौड़ी वाले दुकान पर ही जाएंगे, और उनको 5 मिनट चाहिए पीने का, 10 मिनट चाहिए पीने का, लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर पी करके घर चले जाते हैं। तो अगर जिला पुलिस प्रशासन को अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं तो बढ़िया बात है, अगर पुलिस अच्छा काम करती है मैं उसको बधाई दूंगा, मैं उसको बहुत बहुत बधाई दूंगा, उसको माला पहनाऊंगा। लेकिन जिला प्रशासन सो रहा था, पुलिस प्रशासन सो रही थी, उसको खुद एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि धानापुर, कमालपुर, सैयद राजा जो भी चहनिया मार्केट है इसमें एक बार खोल दिया जाए ताकि पीने वाले लोग शराब की दुकान से शराब खरीदें और बाहर में जा कर के आराम से बैठ के पिए। तब यह कानूनन अपराध होगा कि जो लोग बाहर में नहीं पीते हैं, अगर अलग अलग पीते हैं तो अपराधी हैं। तो क्या सर, जैसे ये मुक्त होना चाहिए, जैसे सर ये दारू को लेकर के इनको जो अरेस्ट किया गया, अगर दारू बिकेगी तो लोग उसको खरीदेंगे, अगर जो इसमें इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्यों ना दारू के ठेकों को बंद कर दिया जाए? बिल्कुल ये सही बात है, जायज बात है, दारू के ठेके, नशा के ठेके, भांग के ठेके, जितने नशा हैं देश ही नशा मुक्त हो जाए। लेकिन कौन कौन से नशा को मुक्त करेंगे ये तो सरकार को निर्णय लेना है। हम इस पे, चूंकि ये सरकार के राजस्व का मामला है और सरकार इसको बखूबी जानती है, और यह सरकार से यह उम्मीद करना कि दारू बंद कर देगी, कोरोना काल में रेल बंद हो गई, जहाज बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन दारू की दुकान खोली गई, और जो दारू की दुकान शाम को खुलती थी कोरोना काल में और सुबह खोल दी गई कि पीजिए और कोरोना से सुरक्षित रहिए। खैर, ये विषय अलग है, हमारा जो मूल
मूल विषय है वह यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा, जनता के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा पुलिस इस्तेमाल न करे, किसी विभाग का कर्मचारी अधिकारी न इस्तेमाल करे। और माननीय योगी जी की सरकार जनप्रतिनिधियों के लिए उत्तर प्रदेश के हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान है, पीडीसी है, प्रमुख है, जिला पंचायत है, हर जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रोटोकॉल लागू हो। और साथ ही अगर उस ठेला पे दारू पकड़ा गया तो ये पुलिस उस भाई को रात भर बंद करके 151 में चालान की, धीना पुलिस 151 में चालान की, क्यों की 151 चालान में, किसकी परवाह पे 151 में चालान किया? अगर दारू में बंद किया तो 151 में चालान क्यों? और प्रधान से तुम ताड़ा करके बात क्यों? मैं वादा करता हूँ अपने चंदौरी की हर जनप्रतिनिधियों को कि संजनी को पुलिस गोली मारे, चाहे कोई दुनिया गोली मारे, चाहे सरकार फांसी चढ़ा दे, सम्मान के खिलाफ, जनता के सम्मान के खिलाफ अगर किसी ने कोई कदम उठाया तो ये अंजनी सिन्हा ठोक के उसे लड़ने का काम करेगा। हर जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, जनता का सम्मान हो। जो गाली देने पर जनता पे एफआईआर होता है वही एफआईआर पुलिस पे, अधिकारियों पे होना चाहिए। जो कानून जनता पे लागू है वही कानून पुलिस पे लागू है। और पुलिस को कोई अधिकार नहीं कि पुलिस किसी से गाली दे के बात करे। अगर अधिकार है तो आईजी साहब बताएं, चंदौली एसपी साहब बताएं, किस कानून में लिखा है कि पुलिस किसी को गाली दे के बात कर सकती है? ये सवाल पूछता हूँ चंदौली पुलिस से, उत्तर प्रदेश पुलिस से। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि माननीय आईजी साहब उत्तर प्रदेश पुलिस को भाषाई संतुलन सिखाएं, भाषाई व्यवहार सिखाएं। और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता को ये जो प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस द्वारा भय बना करके, अरे हंसी तो आती है। डर तो जनता को गुंडों से था, चोरों से था, मवालियों से था, छिनैती वालों से था। अगर पुलिस से एक उम्मीद थी जनता को कि पुलिस आ गई हमारी रक्षा करेगी, अब पुलिस भी पहले ही गाली दे के प्रताड़ित कर दे, भय बना दे, तो फिर जनता कहाँ जाएगी मदद मांगने? इसलिए माननीय योगी जी से कह रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सादर प्रणाम। ये हम लोगों की मांग है कि उत्तर प्रदेश की जनता पुलिस से भयभीत न रहे, पुलिस से सिर्फ गुंडे भयभीत रहें, चोर भयभीत रहें, शरीफ सज्जन भयभीत न रहे। और इस बाजार में आज पुलिस प्रधान को धमका रही है तो कल किसी दुकानदार को धमकाएगी, इस कमालपुर बाजार में ऐसा नहीं होने दूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद, कैलाश यादव जिंदाबाद। जैसा कि हमारे जिला पंचायत ने अभी बोला कि प्रोटोकॉल एक लागू किया जाए, तो ये अगर ऐसा होता है तो ये जनता के हित में होता है, ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि आजकल जो पुलिस जो है लोगों को डरा धमका रही है ताकि इससे जो है कि इस पर रोक लग सके। और आप इसी तरह हमारे न्यूज़ से बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।